आइए नाज़रीन, आज हम आपको माश की बहुत ही मॉइस्ट सी दानेदार दाल बनाना सिखलाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने 1.5 कप जो है वो दाल का लिया है और उसको हमने एक पॉट में डाल लेना है और इसके बाद हमने उसको धो लेना है। धोकर जितना पानी हम उसमें से गिरा सकते थे गिराया है और बाकी थोड़ा बहुत पानी जो है वो उसमें रह गया है, उसे हमने बीच में ही रहने देना है मामूली सा। उसके बाद हमने 1.5 कप ही उसमें पानी डालना है, यानी कि 1.5 दाल है, 1.5 ही हमने पानी डाला है और 1.5 डालने के बाद हमने उसमें 1/2 कप और पानी डाला है, यानी कि 1.5 कप दाल में हमने 2 कप्स ऑफ वाटर ऐड किया है। इसके बाद हमने 1 टीस्पून फुल सॉल्ट का डाला है, 1 टीस्पून फुल क्यूमिन सीड्स का डाला है यानी कि ज़ीरे का, 1/2 टीस्पून हमने कोरिएंडर पाउडर का डाला है यानी कि पिसे हुए धनिए का, 1/4 टीस्पून हमने टर्मरिक पाउडर का डाला है यानी कि हल्दी का, 1 टीस्पून फुल हमने चिली पाउडर का डाला है यानी कि सुर्ख पिसी हुई मिर्चों का और 1/2 टीस्पून फुल हमने इसमें चिली फ्लेक्स का डाला है जो कि हॉट है यानी कि क्रश्ड चिलीज का, कुटी हुई मिर्च का। इसके बाद 5 हमने ग्रीन चिलीज ली हैं और उनको छोटा छोटा कैंची से काट कर हमने दाल में डाल देना है। और अब ये हमारे हाथ में जिंजर और गार्लिक है, 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक ली हैं हमने और बिल्कुल उसके बराबर का ही हमने जिंजर ले लेना है, यानी कि जितना गार्लिक है उतना ही जिंजर है और उन दोनों चीज़ों को हमने कूट लेना है, हाथ से ही कूटना है, पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही पिसा पिसाया डालें। इसके बाद आपने इसको निकालना है, आप देखेंगे ये कितना हुआ है और इसको हमने दाल में ऐड कर देना है। आग हमने अभी नहीं जलाई है चूल्हे की, हमने इसको कवर करना है और 1 आवर के लिए इसे रखे रहने देना है यहाँ तक कि ये भीग जाए। अब हमने मीडियम आंच जो है कुक टॉप की ऑन की है और उस पर हमने दाल उबलने के लिए रख देनी है, ना आंच बहुत तेज हो और ना ही आंच बहुत हल्की। तो 1 घंटे के बाद हमने चूल्हा ऑन करना है और चूल्हा ऑन करते ही हमने तड़के की तैयारी शुरू करनी है। तो 1/3 कप ऑफ कुकिंग ऑयल लिया है हमने, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, बहुत सारा तेल लिया है आप देख सकते हैं और उसमें हमने एक बड़ा सारा प्याज जो है उसका 1/4 हिस्सा काट कर डाल लेना है, बारीक बारीक स्लाइस करने हैं ताकि बहुत खूबसूरती से हमारे अनियंस जो हैं वो गुलाबी हो सकें। इसके बाद दाल को जब उबाला आने लगे तो उसकी लिड जो है वो आपने आधी खोल देनी है। अनियंस जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से गुलाबी हो रहे हैं और दाल उबल रही है। इस वक्त जब अनियन गुलाबी हो और दाल उबलने लगे उस वक्त आपने अनियन का तड़का जो है वो दाल पर लगा लेना है। इसको थोड़ा सा हिलाना है और हिलाकर फिर हमने इसकी लिड को आधा कवर कर देना है। आंच जो है वो इस वक्त भी मीडियम ही है, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि पानी जो है वो खुश्क हुआ चाहता है और उस वक्त आपने उसको थोड़ा सा हिलाना है ताकि ऊपर आया हुआ पानी जो है वो दाल में नीचे की तरफ चला जाए। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि तेल के बबल्स जो हैं वो उसमें बनने लगे हैं और वो पानी जो उसमें मौजूद था वो क्लियर सा दिखाई देने लगा है। अभी दाल पूरी तरह से गली नहीं है लेकिन पानी खुश्क हो गया है, तो इस वक्त आपने उसको हिलाना है। ड्राई ड्राई सी आपकी दाल दिखाई दे रही होगी और एक तवा जो है वो अपने कुक टॉप पे रखना है, आँच पे बिल्कुल मध्यम कर देनी है और लिड को पूरा कवर कर देना है। साथ ही हमने खूब सारा फ्रेश कोरिएंडर जो है वो उसमें काट कर डाल देना है। अब बाकी की जो दाल में कसर है वो दम से पूरी होगी, यानी कि ये बहुत अच्छी तरह से दानेदार भी बनेगी और गल भी जाएगी और मॉइस्ट भी बनेगी। कोई 15 मिनट्स हमने इसको दम दिया होगा, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी दाल जो है वो बिल्कुल तैयार है। अम्मी जो दाल बनाती हैं बहुत ही दानेदार होती है, बिल्कुल ऐसे निखरा निखरा दाना, खुश्क और खड़ा खड़ा, वो हमसे रोटी के साथ नहीं खाई जाती, हमें बहुत ड्राई लगती है, तो हमको ये वाली माश की दाल जो है ये बहुत पसंद है। तो ये तो थी हमारी रेसिपी, खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।